हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ और साइंस यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल ऑफ क्लास 10 CBSE। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से मैक्सिमम पोर्शन कहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो लेक्चर। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है। What is triangle? Triangle क्या होता है? A three sided closed polygon. Closed polygon. एक ऐसा polygon जिसकी three side हो और वो closed हो, उसको हम क्या बोलते हैं? Triangle बोलते हैं। जैसे कि अगर for example इस तरीके से बना हुआ है, इसकी three side है, but this is not closed. इसको हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है? दिस इज नॉट ट्राइंगल। ये क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल, ठीक है? ट्राइंगल की दो चीजें प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट, और एक होती है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंटी, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज। मतलब क्या? सेम शेप होनी चाहिए और साइज भी क्या होना चाहिए? सेम। एक हिसाब से देखेंगे ट्विंस, दोनों क्या होंगे? ट्विंस होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होंगे। इट्स लाइक ट्विंस, मैंने बता दिया, फोटोकॉपी बिल्कुल होंगे। जैसे कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का साइड का, एक और ट्राइंगल है 4 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो गया? सेम शेप हो गई, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, और साइज भी क्या हो गया? सेम हो गया, ये भी साइज 4 है, ये भी साइज 4 है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? और एग्जांपल समझाते हैं, जैसे कि 10 रुपीज़ का कॉइन है हमारे पास, ठीक है, 10 रुपीज़ का दूसरा कॉइन है, तो वो एक दूसरे को बिल्कुल सेम है ना, शेप भी सेम है, सर्कुलर है, और साइज भी क्या है दोनों का, वो भी साइज भी बराबर, एक के ऊपर एक रखोगे क्या होगा? ओवरलैप करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? अब सिमिलर क्या होता है, ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। SAS रूल पढ़ा होगा, RHS रूल, SSS रूल, AAS रूल, ASA रूल, तो वो सब रूल होते हैं तुम्हारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं, ठीक है? और सिमिलरिटी क्या होती है? सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब क्या होता है कि सेम शेप, शेप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, साइज, साइज में और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर है, लेट्स से इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, और एक छोटा सा स्क्वायर है, तो स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी है, तो शेप क्या हो गई दोनों की? सेम। साइज क्या दोनों का सेम है? तो इसको बोलेंगे सिमिलर। क्या बोलेंगे इसको? दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, मतलब साइज मैटर नहीं करता। अगर हम बड़ा ट्राइंग स्क्वायर बना दें तो ये भी इसके क्या क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है? क्या इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन होती है भैया शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब ट्विंस होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दें, हमारा ये हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, ये हैंड है, तो इसका शेप क्या है? दोनों का सेम है, साइज भी क्या है? दोनों का सेम है। इसके ऊपर रखो आप तो क्या बनेगा? इस तरीके से बिल्कुल ओवरलैप कर गया, तो इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। सपोज ये मेरा हाँ हैंड है, एक छोटे से फॉर एग्जांपल किसी बेबी का हाथ है छोटा सा, तो उसका भी शेप क्या है? सेम। उसकी भी शेप क्या है? सेम। क्या साइज सेम है? क्या साइज अलग अलग है? साइज मैटर नहीं करता है।
और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुम लोगों ने जीरो मूवी देखी होगी, उसमें शाहरुख खान होता है। शाहरुख खान कितने ओरिजिनल में, शाहरुख खान एक छोटा शाहरुख खान तो हैं दोनों शाहरुख खान, शेप क्या होगी दोनों की सेम, लेकिन साइज क्या होगा दोनों का अलग, तो उसको क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, सिमिलर बोलेंगे ठीक है। और सुनो वो जुड़वा मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, उसमें क्या हीरो का नाम है वरुण धवन, हाँ वरुण धवन, वो दोनों सेम होते हैं, ट्विंस होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका शेप क्या है सेम, साइज भी क्या है सेम, तो वो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक सिमिलैरिटी रूल्स क्या होते हैं, वो हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी क्या होती है ट्राइंगल्स की। इसको नोट कीजिए, नाउ विल सी सिमिलैरिटी रूल्स। सिमिलैरिटी रूल्स, सिमिलर फिगर की डेफिनेशन क्या होती है, द फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम शेप एंड may or may not be of same size. एक स्टेटमेंट लिखेंगे, if लिखेंगे all congruent figures आर सिमिलर बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मीन्स ये हुआ कि सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं, लेट से दो ट्राइंगल हैं थ्री 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 साइड के ठीक है, तो ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये सिमिलर भी हैं क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज भी इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर हो सकती हैं। अगर हम कॉन्ग्रुएंट, अगर सिमिलर फिगर्स ले रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। लेट से हमने ट्राइंगल लिया थ्री साइड का और दूसरा ट्राइंगल लिया टू साइड का, तो ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये चीज़ है, नो डाउन। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है, अगर हमारे पास फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, देन देयर एरियाज विल बी इक्वल, देन देयर एरियाज विल बी इक्वल, तो इनके एरिया इक्वल होंगे, विल बी इक्वल बट नॉट वाइस वर्सा, बट नॉट वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फिगर हैं उनके एरिया इक्वल हैं तो वो जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो। एग्जाम्पल दें, देखो लेट से दो फिगर हैं, लेट से यहाँ पे थ्री साइड का ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है वो भी है थ्री साइड का, तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं बिल्कुल सेम हैं तो इनका ऑब्वियसली एरिया भी क्या होगा, एरिया भी क्या होगा दोनों का सेम होगा, ये तो कॉमन सेंस हो गया। जैसे एक 10 रुपीज़ का नोट है फॉर एग्जाम्पल ठीक है, दूसरा 10 रुपीज़ का नोट है, दोनों एक साइज सेम शेप के हैं और साइज के भी हैं, तो उनका एरिया निकालोगे लेंथ एंड ब्रेथ तो क्या आएगा दूसरे का भी सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं अगर तो क्या होगा एरिया भी सेम आएगा, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि अगर एरिया इक्वल है, अगर क्या इक्वल है एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते भी हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो
लेट्स से एक स्क्वायर है और इसकी साइड है 4, इसका एरिया कितना हो जाएगा 16, 4 है 16, ठीक है। और एक ट्राइंगल है, इसकी बेस है 8 और हाइट है इसकी 4, तो यहाँ कितना एरिया है 16, यहाँ कितना एरिया आएगा बताओ, हाफ बेस 16, तो यहाँ एरिया तो इक्वल है बट ये क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा, अगर एरिया इक्वल है तो ये जरूरी नहीं कॉन्ग्रुएंट हो। बात समझ में आ गई ना, इसको नोट करो। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनको हम लिखते कैसे हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। लेट्स से एक हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एक दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी एंड पी क्यू आर, और ये गिवन है, दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर है। उसको लिखेंगे ऐसे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन होता है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट किया यहां पे आए तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पे आएंगे पी क्यू आर, ठीक है। तो ये रूल है, आप ऐसे मत कर देना इसको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू, ये मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। पैटर्न कैसे फॉलो किया है, इस तरीके से, तो यहां पे भी कैसे चलना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका तीन चीज उनकी क्या होंगी, नंबर वन सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ऑल एंगल्स इक्वल, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये तो होगा नहीं, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये बात समझ में आई। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब तुम्हें लग रहा होगा अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन साइड इक्वल नहीं होती हैं, साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू करें, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर करें, वो दोनों, और ए सी अपॉन पी आर करें, तो वो तीनों इक्वल होंगे, इनका रेशियो इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, इनका क्या होगा रेशियो इक्वल होगा, इसको भी प्रूव करके भी बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल। नाउ वी विल स्टडी सिमिलैरिटी रूल्स। सिमिलैरिटी रूल्स क्या होते हैं, सिमिलैरिटी रूल्स, नंबर वन रूल होता है ए ए एस रूल, नंबर टू होता है ए ए रूल, नंबर थ्री होता है एस 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 रूल, ये हैं सिमिलैरिटी। और कॉन्ग्रेंसी में कितने होते थे, 5 to 6 रूल्स होते थे, ठीक है, वहाँ होते थे एस ए एस, एस ए एस और आर एच एस, एस एस एस
तो यहाँ सिर्फ SAS SSS काम करता है, बाकी रूल सिमिलैरिटी के लिए काम नहीं करते हैं। इसको इम्पॉर्टेंट नोट करके लिखो, ठीक है। एक एक करके समझा देते हैं तीनों, बहुत इजी हैं, ध्यान से देखो। देखो अगर हमारे पास नंबर वन ट्रिपल ए रूल, दो ट्रायंगल हैं, लेट्स से दो ट्रायंगल हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं क्योंकि सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी सेम होनी चाहिए? शेप, साइज कुछ भी हो मैटर नहीं करता। देखो ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। ये टू डॉट्स मैंने यहाँ लगाए हैं, यहाँ पे टू डॉट्स लगाए हैं, इसका मतलब ये हुआ एंगल बी किसके इक्वल एंगल क्यू के, एंगल ए किसके इक्वल एंगल पी के। ये बात क्लियर हो गई? तो देखो मैं लिख रहा हूँ, हमें गिवन क्या है, क्या गिवन है हमें, एंगल ए किसके इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी किसके इक्वल है एंगल आर के। टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे, वैसे ही लिखने लिखने का तरीका समझ लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर जैसे कॉन्ग्रेंसी में करते थे सेम वही पैटर्न है, बस वहाँ पे इक्वल टू लगता था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एंगल ए इज एंगल बी किसके इक्वल है सी किसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए ए ए रूल है। इजी की टफ है, इसको नोट करो। इसमें क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा, ये गायब हो गया, हो गया। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ दो एंगल इक्वल है, सिर्फ दो एंगल इक्वल है तब भी ट्राइंगल क्या हो जाता है सिमिलर बाय ए ए, और ट्रिपल एस में क्या होगा, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम बाद में कराएंगे जब एक्सरसाइज तुम्हारी आगे की कराएंगे, ये थोड़ा आगे का टॉपिक है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट सिखा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो, उसकी प्रूविंग हम तुमको बता देंगे। जैसे कि एक ट्राइंगल है, लेट्स से एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी, और एक लाइन ऐसे आई, इसको काट दिया बीच से, कहीं से भी, यहां से कहीं से भी आई, लेकिन ये लाइन जो है एल एम जो है पैरेलल है किसके, ठीक है, ये गिवन है। क्या गिवन है, एक ट्राइंगल को एक लाइन किसी साइड के पैरेलल काट रही है, ये तो ये लाइन इसको इसके पैरेलल काट दिया, पैरेलल होनी चाहिए, तो क्या होगा, देन मान लो है ए बी सी है, ये पॉइंट मान लो है ई है, तो क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये कंसेप्ट है। लेट्स से कि एक ट्राइंगल दिया गया है, एक ट्राइंगल है, ये ऐसे करके इसने काट दिया, ये है डी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ई, ठीक है, और ये दिया गया है 1.5, ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर,
और तुम्हें ईसी निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन क्या है आपको कि टी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ आप कंडीशन लगाओ और आंसर बताओ।